मैं इससे पहले एक ही बार हेलीकॉप्टर में बैठा हूँ। वाह, यस वी आर रेडी। तो आज हमारा आखिरी दिन है इस रिजॉर्ट में, वन एंड ओनली गोरिल्लास नेस्ट रिजॉर्ट के बारे में ज़्यादा मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा घुमाऊंगा, कमरे का टूर कराता हूँ। और 4 घंटे हमारे पास करीब करीब, उसके बाद हेलीकॉप्टर चार्टर है हमारा, हेलीकॉप्टर में हम किगाली वापस जाएंगे। तो अभी ब्रेकफास्ट के लिए निकल रहे हैं। Today is very blue sky, even though it was raining like 2 hours ago. Was it raining when you were sleeping? तो ये है दोस्तों कमरा। अभी थोड़ा मैसी है क्योंकि हम इतने दिनों से इस्तेमाल कर रहे हैं इसे, और रोशनी इतनी ज़्यादा नहीं आ रही क्योंकि बाहर क्लाउडी मौसम हो रखा है, इसलिए आपको फ्लिकरिंग सी दिख रही होगी। ये कैमरे की वजह से भी होता है, रियल लाइफ में नहीं दिख रही। लेकिन देखिए क्या ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन कर रखा है इस कमरे को। बहुत सारे डेकोरेशन के आइटम्स लगा रखे हैं, और यहाँ पे ढेर सारी किताबें भी हैं। बर्ड्स ऑफ ईस्ट अफ्रीका कुछ फिक्शनल किताबें, और बर्ड्स की तो भाई क्या कलेक्शन है। यहाँ पे देखो इतनी सारी चिड़ियाँ हैं। इस बुक को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। हमें यहाँ पर बाइनोकुलर्स भी दी हुई हैं अगर बर्ड वॉचिंग करनी है। इसके अलावा हैट्स दी थी, सफारी के लिए बैग्स दिए थे जब हमने गोरिल्ला ट्रैकिंग करी थी। कुछ वॉकिंग स्टिक्स हैं जो हम घर ले जा सकते हैं, ये एज ए गिफ्ट इन्होंने दे रखी हैं। इसके अलावा कमरे में एक आईपैड है जिसपे सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि क्या क्या सर्विसेज ऑफ़र करते हैं ये, क्या क्या इनकी मसाजेस हैं, यहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ हैं। उसके अलावा एक गोरिल्ला है, एक तो क्या है अभी, हराम्बे भाई साहब भी थे हमारे यहाँ पर। कहाँ है हराम्बे? ओह, इज़ इन द सूटकेस। उसके अलावा और किताबें हैं यहाँ पर, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स के नीचे। एक कॉफ़ी के ऊपर किताब है, और गोरिल्लास के ऊपर भी एक किताब है। वाह, इट्स वेरी नॉलेजेबल टू स्टे हियर। और बाहर की बैल्कनी दिखाता हूँ कितनी बड़ी है। यहाँ पे एक झूला लगा हुआ है बैल्कनी में, झूला झूलते हुए पूरा नेचर का व्यू एंजॉय कर सकते हो। ये हमारा बाथरूम दिखने लग रहा है। इसके अलावा 2 सोफे लगे हैं, और पेंटिंग करना चाहें हम मजनू भाई की तरह, अगर लाइव पेंटिंग करना चाहें तो उसके लिए कैनवस भी दे रखा है। अनफॉर्चुनेटली हमें टाइम नहीं मिल पाया पेंटिंग करने का, लेकिन मेरा बड़ा मन था गोरिल्ला बनाने का। और ये इनका जबरदस्त बाथरूम है, एक बड़ा सा टब है, सीट दे रखी है बाथरूम में बैठने के लिए, 2 वॉश बेसिन। और जब भी हम आते थे हर बार ये टॉवल्स नए मिलते थे हमें। इसके अलावा देख सकते हैं सोप और हैंड लोशन, ये सब कुछ। प्लास्टिक बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करते होटल में, सिर्फ ग्लास की बॉटल, सेरेमिक की बॉटल्स इन्होंने इस्तेमाल कर रखी हैं। और शावर का जो एरिया है, यहाँ भी बैठने की जगह है। ये पहली बार देखा है मैंने कि शावर के अंदर बैठ के भी शावर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर शावर करने का मन नहीं तो बाहर भी एक शावर है, अगर बाहर शावर करना है तो। लेकिन ठंड है अभी बाहर, तो हमने कभी किया नहीं बाहर शावर। और यहाँ पर खाने के लिए बहुत सारे स्नैक्स दे रखे हैं, 24 घंटे कभी भी भूख लगे खा सकते हो। अल्कोहल भी दिए, लेकिन हम पीते नहीं है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा अभी तक जितने भी हम होटल्स और रिजॉर्ट्स में रुके हैं, ये अभी तक का सबसे ज़्यादा लग्जूरियस रिजॉर्ट है। मतलब इस लेवल की लग्जरी कहीं नहीं देखी हमने। तो थैंक्स टू वन एंड ओनली फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू शो ऑफ देयर रिजॉर्ट। और अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं इनका रिजॉर्ट और इनके होटल्स, तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। Fun fact guys, this plant I have at home in our living room, same one as this one, and it's huge here. Look at these leaves. Wow, I really hope mine doesn't get this big. And you know, this plant actually reminds me a lot of someone when he wakes up in the morning. You're becoming a wildlife photographer? Yes. That was your alternate dream job? Just like Farhan. Abba nahi manenge. तो लंच हम स्विमिंग पूल के पास कर रहे हैं क्योंकि हेलीपैड यहीं पर है, यहीं कहीं हेलीकॉप्टर उतरना चाहिए। होपफुली आ जाएगा टाइम पे, 2 बजे का टाइम उन्होंने कहा था। तो हमारा खाना नहीं आया है लेकिन हेलीकॉप्टर ज़रूर आ गया है और खाना भी आ गया। एक्चुअली रिजॉर्ट के अंदर ही लैंड कर रहा है ये। That looks like a proper helicopter. I hope I don't get sick or something. No. मैं इससे पहले एक ही बार हेलीकॉप्टर में बैठा हूँ, वो जो सीक्रेट DW की सीरीज की शूटिंग चल रही थी, लेकिन वो बहुत ही छोटा हेलीकॉप्टर था। ये सही में प्रॉपर वाला बहुत ही बड़ा हेलीकॉप्टर है। ये फर्स्ट टाइम होगा मेरे लिए भी। हेलो, गुड गुड। वाओ, दिस इज रियली बिग। दैट्स द लगेज स्पेस। होपफुली ग्रीन स्क्रीन भी हेलीकॉप्टर में कहीं ना कहीं फिट हो जाएगा। कैन दिस आल्सो फिट? या एब्सोल्युटली, इट्स द rucksack can be in the front. Yes. Wow. This looks like the helicopter where politicians travel. It has doors on both the sides. And also adjust your vents for the air conditioning. Ah, okay. Yeah. Okay, sure. Are you ready? Yes, yes, we are ready. So, yeah. How do you feel first time? Ready for takeoff. यहाँ पे एक emergency exit है जिसे खींच के विंडो बाहर पुश करनी है इमरजेंसी के लिए। तो इसका इमरजेंसी एग्जिट थोड़ा डिफरेंट है नॉर्मल एयरप्लेन से, ऑब्वियसली, क्योंकि एक हेलीकॉप्टर है। It's getting loud. Up. समय लगा जिसे गाड़ी से कवर करने में 2.5 hours लगे थे। और वी हैव अ बस आल्सो। तो हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद जिस बस में ले जा रहे हैं, ये बस भी काफ़ी VIP बस है। सीटें ऐसा लग रहा है किसी सिनेमा हॉल की गोल्ड क्लास सीटें लगी हों। So now we've landed in Kigali and our flight is in 4 hours and we're going to Kenya. Nairobi. Nairobi. Why does the Bank of Kigali have Instagram and Facebook and Twitter? That's crazy. तो एक और प्रॉब्लम हो गई है दोस्तों, कीनिया जाने के लिए एक पैसेंजर लोकेटर फॉर्म भरना है जो हर देश के लिए भरना पड़ता है, लेकिन जब हम वेबसाइट पे जाके फॉर्म को भरते हैं तो कुछ ऐसा रिजल्ट आता है। यहाँ पर कोई QR कोड आना चाहिए जो कि आता ही नहीं है। हर किसी से यहाँ पर जाकर पूछ लिया कि क्या किया जाए, किसी को कुछ नहीं पता। सब बोलते हैं किसी और से पूछो, किसी और से पूछो, और एंड में बंदा कहता है ठीक है, नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। Yeah, because somewhere I also read that they said if you fail to provide any of the documents needed, they may just put you in quarantine for 14 days. So Kenya Airways की फ्लाइट है और रवांडा एयर की शेयर्स हैं। प्राइड ऑफ अफ्रीका, ये इसकी टैगलाइन है। Welcome to Nairobi. Kenya में आपका स्वागत है। Why is it Hindi given so much priority here? Welcome to the home of the Big Five. Thankfully Kenya में जो लोग थे एयरपोर्ट पे बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। एक बारी में बात समझ ली। हमने बोला वेबसाइट नहीं काम करी तो उन्होंने बोला ठीक है आगे चले जाओ, और यहाँ पे लोग ज़्यादा समझ पा रहे हैं हमारी बातों को रवांडा के कंपैरिजन में, और कोई इतना लोग ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं है, जो कि अच्छी चीज़ है क्योंकि किगाली में बहुत ही अननेसेसरली लोग ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं हर चीज़ को लेकर। तो ये नायरोबी का एयरपोर्ट है, बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है किगाली के कंपैरिजन में, क्योंकि किगाली का काफ़ी छोटा सा एयरपोर्ट था। द वेदर इज लुक्स बेटर देन इन किगाली, राइट? Smells a lot of plane fuel here. Oh, true, but not the air pollution. And then you say welcome, you say karibu. 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 Yes. So jambo, asante, karibu. Yes. Jambo is hi, asante is thank you, yes. And karibu is welcome. Correct. That is very correct. Yes, now we know Kenyan. What's the name of the language? We have that is called Swahili. Swahili. Oh. Yes, that's our national language. Wow. Yes. I was about to say Kenyan. Oh, that's such a gigantic machine.